हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात करने वाले हैं टमाटर की। टमाटर हमारे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फसल है। आइए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टमाटर का जो बॉटनी का नेम होता है वो होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, या दूसरा नाम अगर हम देखें इसका तो लाइकोपर्सिकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। और यह पादप सोलेनेशी कुल का पादप है, जिसको हम सामान्य तौर पर धतूरा कुल भी कहते हैं। और इस सोलेनेशी में अन्य सब्जियां भी रखी जाती हैं, जैसे कि आलू, बैंगन, मिर्च, ये भी सब्जियां सोलेनेशी कुल में आती हैं। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात की जाए तो टमाटर में जो उपयोगी पादप भाग होता है वो होता है इसका फल, जो कि बेरी होता है, और यही हमारे काम का होता है। तो यहाँ पर हमने बात कर चुके हैं वानस्पतिक नाम की, कुल की, उपयोगी भाग की। अब हम आते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। इसकी अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ये जो पादप है वो पेरू तथा इक्वाडोर उत्पत्ति का पादप है। कह सकते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वहाँ पर इसको प्राचीन समय से कृषित किया जा रहा है। इसके पश्चात पेरू और इक्वाडोर से टमाटर उत्तर में मैक्सिको में पहुंचा, जहां पर इसको कृषित किया जाने लगा। और इसके पश्चात लगभग 16वीं शताब्दी में दक्षिणी यूरोप में टमाटर पहुंचा और वहां पर इसको कृषि किया जाने लगा। भारत में अगर देखें तो भारत में लगभग 19वीं सदी में इसका आगमन हुआ है, और उसके पश्चात हमारे यहाँ पर व्यापक तौर पर इसकी खेती की जाती है। भारत के लगभग लगभग सभी स्टेट्स में इसकी खेती की जाती है। और विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो विश्व में भी लगभग प्रत्येक देश में टमाटर की खेती की जाती है, क्योंकि टमाटर हमारे यहाँ प्रत्येक सब्जी में डाला जाता है, तो इसलिए लगभग लगभग सभी स्टेट इसकी खेती करते हैं और विश्व में भी लगभग सभी जगह इसकी खेती की जाती है। उत्पत्ति के बाद में हम बात कर लेते हैं वानस्पतिक लक्षणों की। तो पादप के वानस्पतिक लक्षणों की अगर बात की जाए तो पादप जो होता है इसका वो शाकीय होता है और एक कम ऊंचाई वाला पादप होता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग आधा मीटर के आसपास होती है। पादप में जो तना होता है वो रोमिल तना पाया जाता है। साथ ही साथ जो तना होगा वो शाकीय तना होता है, और इससे जो पत्तियाँ निकलती हैं वो पत्तियाँ पिन्नेटली लीफ इसमें पाई जाती हैं, पिच्छा की पत्तियां पाई जाती हैं। और जो पादप है वो एक तरह से कि अति शाखित पादप होता है। यहाँ पर जो फूल बनेंगे पादप में, पुष्प बनेंगे, वो पुष्प पीले कलर के होते हैं, और पुष्प के पश्चात पादप में फल लगते हैं। ये फल जो है वो अपरिपक्व अवस्था में हरे रंग के होते हैं, लेकिन जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये पादप के जो फल हैं वो चमकदार लाल रंग के दिखाई देते हैं। और ये लाल रंग जो इसमें पाया जाता है वो होता है लाइकोपीन की अधिकता के कारण, क्योंकि लाइकोपीन जो कैरोटीनॉइड है वो पाया जाता है इसमें, तो इसलिए जो टमाटर है उसका लाल रंग हमें दिखाई देता है। अगर हम फल को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये टमाटर का जो है हमें यहाँ पर फल दिखाई दे रहा है, जिसमें फलभित्ति अगर हम देखें तो वो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीन परतों में डिवाइड रहती है। जो बाहर का छिलका रहता है टमाटर का उसे हम कहते हैं एपिकार्प, और मध्य का जो गूदेदार पार्ट है उसे हम कहते हैं मीजोकार्प। आप ये देख सकते हैं एक पूरा गूदेदार पार्ट है मीजोकार्प, और अंदर वाली जो लेयर है जिससे बीज भी संलग्न रहते हैं उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। और इस एंडोकार्प से आप देख सकते हैं यहाँ पर बीज में संलग्न रहते हैं। तो पूरा जो फल है वो हमारे काम का होता है, पूरा फल जो गूदेदार होता है। साथ ही साथ फल में अगर आप देखें तो ये जो है इसका फल का जो है व्रंथ है, और इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात जो चिरस्थाई बाह्यदल पुंज हैं वो फल के साथ लगे रहते हैं। यहाँ तक कि टमाटर को जब तोड़ते हैं तो तोड़ते समय भी वो कई बार संलग्न होकर के उसके साथ में आ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। वानस्पतिक लक्षण के बाद में हम बात करेंगे इसके कृषि की या कल्टीवेशन की। तो टमाटर में जो कृषि कार्य किया जाता है टमाटर का, वो वर्ष में हम दो से तीन फसलें इसकी ले सकते हैं अलग अलग समय पर बुवाई करके। वो निर्भर करता है कि
क्षेत्र किस तरीके का है, वहाँ की जलवायु किस तरीके की है, तो जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर जो है इसको बोया जाता है। वैसे दिसंबर से जनवरी और इसके अलावा मई से जून, इस तरीके इन महीनों में इनकी खेती की जाती है। कृषि कार्य करने के लिए इसका जो प्रवर्धन किया जाएगा वो बीजों द्वारा किया जाता है, और सबसे पहले इन बीजों को खेत में बो करके पौध तैयार की जाती है, और फिर पौध तैयार करने के पश्चात इस जो पौधे हैं हमारे उनको तैयार खेत में, जिसको 3 से 4 बार जुताई करके और खेत जो पहले से तैयार है उसमें लगा दिया जाता है। लगभग 2 से 3 महीने पश्चात, लगभग 3 महीने का जब पादप हो जाएगा तो उसमें फल लगते हैं, और ये फल जैसा कि आपको पहले बताया कि ये फल शुरुआती अवस्था में जब कच्चे होते हैं तो ये हरे रंग के होते हैं, लेकिन जब पकने पर लाल रंग के होते हैं, जिनको तोड़ लिया जाता है। सिंचाई कार्य की बात की जाए तो सिंचाई अगर हम देखें तो सिंचाई इसमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगातार सिंचाई करनी पड़ती है, और समय समय पर जो खरपतवार हैं उनको भी निकाला जाता है। सिंचाई के साथ साथ उर्वरक जो हैं उनका प्रयोग भी हम करते हैं, रासायनिक उर्वरक का, और साथ ही साथ बुवाई से पहले कार्बनिक खाद की आवश्यकता भी इस फसल के लिए पड़ती है। मिट्टी की बात की रहे तो मिट्टी जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि दोमट मिट्टी इस फसल के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त रहती है। दोमट मृदा में इसका मध्यम पीएच होता है लगभग 7 के आसपास, इस तरह की मृदा में आसानी से हम कृषि कार्य को इसको कर सकते हैं। और तापमान की बात ऐसी है कि तापमान जो है इस फसल के लिए मौसम के हिसाब से चाहिए होता है। मान लिया हम इसको शीतकाल में बो रहे हैं तो शीतकाल के हिसाब से, वरना तो गर्मी में बो रहे हैं तो गर्मी के लिहाज से भी जो है तापमान की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। अलग अलग जगह पर टमाटर को अलग अलग मौसम में बोया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं टमाटर की उन्नत किस्मों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर की जो उन्नत किस्में हैं वो इस प्रकार से हैं, पूसा 120, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा रूबी, पंजाब छुआरा, पूसा गौरव, पंत बहार, ये सभी टमाटर की उन्नत किस्में हैं जिनका प्रयोग करके हम टमाटर का उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टमाटर के उपयोग। टमाटर का उपयोग हम सभी जानते हैं कि एक तो टमाटर जो है सबसे पहला उपयोग तो यह है कि सब्जी में प्रमुखता से काम में लिया जाता है, और प्रत्येक सब्जी में जो है हम टमाटर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ टमाटर से जो है चटनी, सॉस, अचार, इन सभी में टमाटर को प्रयोग में लाया जाता है। टमाटर का जो सूप है वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि सूपों में सबसे फेमस सूप माना जाता है। टमाटर के सूप का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो टमाटर के बीज हैं इनसे टोमेटिन नामक एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा टमाटरों के फलों का जो प्रयोग है हम सलाद के रूप में भी प्रमुखता से करते हैं। इसके अलावा जो हमारे फास्ट फूड हैं उन फास्ट फूड जैसे कि पिज्ज़ा है या बर्गर है, इन सब में भी टमाटर का प्रयोग, ऑमलेट है, इनमें सब में टमाटर का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।